हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ए टू जेड अबाउट अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर अगर आप ट्रेनिंग सर्च कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारा कंप्लीट गाइडेंस आपको इस पार्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे। मैं अपनी स्लाइड वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग्स, इस कंप्लीट वीडियो का कंटेंट क्या क्या चीजें, तो मैं बेसिक से एट द बिगनिंग से कि इंटरव्यू क्या होता है, कितने टाइप के इंटरव्यू होती है और किस टाइप के इंटरव्यू आजकल ट्रेडिशन में चल रहे हैं, इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेयर होता है, इंटरव्यू का डर होता है, इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उन्हें ऐसे पसीने आ रहे होते हैं कि यार इंटरव्यू कैसे दूं मैं। सो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपको ऐसा डर ना आए, इंटरव्यूअर के सामने आपके पसीने ना आए। एंड हाउ टू फाइंड ए जॉब और ट्रेनिंग, आप किस तरीके से आप जॉब और ट्रेनिंग को आप सर्च कर सकते हो, कैंड सिनेरियो में आपको रिज्यूम ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, रिज्यूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके रिज्यूम में होनी चाहिए, रिज्यूम का फॉर्मेट भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, व्हाट इज कवर लेटर एंड इसके इंपॉर्टेंट क्या है। कवर लेटर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स है जो कवर लेटर को फॉलो करते हैं या यूज करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब और ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेलिंग। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको मेल कैसे ड्रॉप करना है अपने रिक्रूटर के पास जो आपके मेल से इंप्रेस हो जाए। बिकॉज मेल जो भी आप कर रहे हो वो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में बताता है कि आपके टाइपिंग स्किल्स किस तरीके से, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप किस तरीके से फैमिलियर हो, आप अच्छी राइटिंग स्किल है या नहीं आपकी, ये बताता है। सेकेंड इम्प्रेशन होता है आपका रिज्यूम, अगर आपके रिज्यूम एंड मेल दोनों अच्छे हैं तो डेफिनेटली चांस है कि आपको कॉल आए। ड्रेसिंग कोड, इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको किस तरीके के ड्रेस वेयर करना चाहिए, फॉर्मल में भी कैसे टाइप के फॉर्मल ड्रेस आपको पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू में जब आप वो प्रेजेंट हो क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें को आपको अवॉइड करना चाहिए एट द टाइम, वो सारी चीजें मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। देन अब मैं बात करता हूँ, इंटरव्यू में हो तो दो टाइप्स के क्वेश्चन मोस्ट होते हैं, एक तो आपके टेक्निकल स्किल्स के बारे में होता है एंड एक होता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सपर्ट के ऊपर क्वेश्चंस कि आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना एक्सपर्टाइज है आपके अंदर, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंटायर सेशन सीएमए इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या फिर सीएमए फाइनल क्वालिफाइड स्टूडेंट जो जॉब करने जा रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दोनों के लिए रिलेवेंट है। सो सबसे फर्स्ट थिंग, इंटरव्यू एंड इस टाइप, इंटरव्यू क्या होता है, फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन के बीच में होता है। फॉर्मल डिस्कशन मीन्स वहाँ पे आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में हो सकता है रिक्रूटर मोर देन वन पर्सन हो सकता है एंड इंटरव्यू देने वाला डेफिनेटली हमेशा एक ही होगा, बट इंटरव्यू लेने वाला मोर देन वन पर्सन हो सकते हैं, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4, 5 पर्सन तक का पैनल हो सकता है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो। अब मैं बात करता हूँ इस टाइप्स के, देखो तो आज के टाइम में अगर मैं स्पेशली कोविड के सीनियर में अगर मैं देखूँ तो टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये दो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू कब लिया जाता है, अगर आपके रिज्यूम रिक्रूटर देखता है एंड उसको लगता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटी है जो उसे चाहिए, तो पहले आपको टेलीफोनिक कॉल करेगा एंड आपके बारे में जैसे कि ब्रीफ लेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, हाउ मेनी मार्क्स यू विल गिव टू यू इन ए टेक्निकल स्किल्स लाइक SAP, एक्सेल एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, इट मे पॉसिबल दे कैन आस्क। उसके बाद आपसे कॉन्सेप्चुअल थोड़े बहुत पूछेगा कि आपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में क्या पता है या फिर आप GST के बारे में क्या जानते हो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे जो सब्जेक्ट मैटर होगा उनका उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर उसे लगता है कि हाँ आप में वो कैपेबिलिटी है तो आपके साथ वो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू ले सकता है या फिर आपको अपने ऑफिस बुलाया जा सकता है कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ इस डेट को, इस टाइम पे जब हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो आपको उस टाइम से 5 मिनट पहले आपको पहुंचना है। नेक्स्ट आता है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू के अगर मैं बारे में बात करूँ तो वॉक इन इंटरव्यू अभी थोड़ा ट्रेडिशन में कम है बिकॉज लास्ट 2 ईयर से कोविड है एंड वॉक इन इंटरव्यू इसलिए नहीं हो रहे हैं, बहुत रेयर केसेज है कि 1-2 वॉक इन इंटरव्यू हुए होंगे। बाकी वॉक इन इंटरव्यू भी अभी के ट्रेडिशन में क्या हो रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है कि आपको एक जूम मीटिंग या फिर कोई भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पार्टिकुलर कंपनी यूज करती है उसमें आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है और आपको वेटिंग हॉल में रख दिया जाता है। इसके अलावा
मैं आपको बताऊं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप इंटरव्यू में। पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है एंड 4 to 5 पर्सन उसमें डिस्कशन करते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। एंड जो इंटरव्यूअर होता है, रिक्रूटर होता है, वो आपको मार्क्स देता है बेस्ड जो चीज़ें आपने उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने कहा वो कितना रिलेवेंट था, उसे अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देता है। एंड आफ्टर इट आप सिलेक्ट हो जाते हो, रिलेवेंट होता है उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है। एंड GD के बाद आपकी फिर पर्सनल इंटरव्यू हो सकती है, अगर आपका GD में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो डेफिनेटली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो, आपको पसीने आ रहे होंगे, आप ये सोचोगे कि कितना जल्दी से जल्दी मैं इंटरव्यू हो जाऊँ और मैं यहाँ से चला जाऊँ। सो आपको इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करना है तो आपको क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कंपनी का नाम मालूम होता है, आप उस कंपनी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब पढ़ लो। मतलब कंपनी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, प्रोडक्ट लाइन क्या क्या है, किस किस एरिया में, किस किस कंट्री में है, वो सारा इनकॉर्पोरेशन से लेके अगर कंपनी लिस्टेड हुई हो, सारी चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से, चेयरमैन का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। आफ्टर डैट ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग होता है अबाउट कंपनी। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊँ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देख लेते हो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, एंड उसमें आप कुछ एनालिसिस करके आप कुछ कंपनी से गलतियां निकाल देते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट के बेसिस पे आपको लगता है कि कंपनी इस पार्टिकुलर एरिया में मिस्टेक्स कर रही है, तो आप उसको राइट डाउन कर लो कि अगर आप इंटरव्यू में आपको कभी भी मौका मिले तो उस पॉइंट को आपको डिस्कस करने से होप्स हो कि उसका एडवांटेज मिले आपको, जैसा मुझे लगता है कि उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। एंड इसके अलावा कि आपको प्रिपरेशन करना है, आपको GD मिलती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है जिसमें आपको किस प्रोफाइल के लिए हायर की जा रही है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। सो अगर आपको ऐसा मिलता है तो डेफिनेटली आप उस अकॉर्डिंग आप अपने टेक्निकल स्किल्स की प्लस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप प्रिपरेशन करो, बिकॉज वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हो सकता है कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम जो जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं उस अकॉर्डिंग हमें कभी कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम किसी फ्रेशर कैंडिडेट को हायर करेंगे। मतलब जो उस पार्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में कभी काम नहीं कर रखा उसको मैं फ्रेशर मान रहा हूँ, ठीक है। सो उस केस में कंपनी क्या करती है, आपको अगर मान लो आप पास्ट किसी कंपनी में ऑलरेडी आप वर्किंग हो, इन दैट केस आपसे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि आप पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने काम किया है उसमें आपके पास कितनी एक्सपर्टाइज है, आप कितने ज़्यादा फैमिलियर हो सारे चीज़ों को लेकर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। बिकॉज अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस को भी आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप न्यू चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अबाउट योर सेल्फ हो गया। अबाउट योर सेल्फ हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज कोई सा भी इंटरव्यू देने जाओ, चाहे आप CMA ट्रेनिंग के से रिलेटेड देने जाओ या फिर आप CMA क्वालिफाइड होने के बाद इन कॉर्पोरेट लाइफ में आप जॉब के लिए जाओ, अबाउट योर सेल्फ हमेशा होता है। तो आपको अपनी अबाउट योर सेल्फ प्रिपेयर करना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अबाउट योर सेल्फ आपकी इंग्लिश कॉम्युनिकेशन स्किल बताता है, ठीक है, कि आप, क्योंकि अबाउट योर सेल्फ हमेशा 99.99% लोग इंग्लिश में ही देते हैं, कोई हिंदी में नहीं देता है अबाउट योर सेल्फ। सो यहाँ से ये मालूम चलता है कि आप इंग्लिश के साथ कितना फैमिलियर हो। सो इसलिए आपको अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स की रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी चाहिए, 3 to 4 मिनट सफिशियंट है। एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सपोज देखो आपने रिज्यूम में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपने बता रखी है, तो आपको अबाउट योर सेल्फ में वो सारी कंटेंट को कवर करना है जो रिज्यूम में नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रिज्यूम है, आप उसको ज़्यादा हाईलाइटेड करो एंड वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज वो सारी चीज़ें जो रिज्यूम में लिखा है अगर वही चीज़ अगर आप हाईलाइट करते हो अबाउट योर सेल्फ में तो शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप वहाँ प्रेजेंट कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फॉर्मल ड्रेस हमेशा आपको पहनना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिससे मुझे जहाँ तक लगता है जब हम फॉर्मल ड्रेसेज पहनते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करते हैं आप अपने आप को। जैसे अगर आप जीन्स और टी शर्ट में हो और वहीं आप कोट पैंट टाई लगा रखे हो, तो आप हमेशा देखना जब आप कोट पैंट टाई लगते हो लगाते हो ना, तो आपको एक अंदर से आता है या आई एम टू मच कॉन्फिडेंट,
ओके और जब नॉर्मल पहनते हो तो आपको कुछ ऐसा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग कभी नहीं आती, तो इसलिए फॉर्मल वेयर करना चाहिए आपको, और हमेशा टाइम से पहले आपको पहुंचना चाहिए। हाउ टू फाइंड जॉब और ट्रेनिंग, देखो जॉब और ट्रेनिंग फाइंड करने के लिए मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट है cmarohansharma.in, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड ए जॉब और ट्रेनिंग का एक ऑलरेडी मैंने ब्लॉग डाल रखा है, इस ब्लॉग के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे जॉब पोर्टल्स के लिंक दे रखे हैं, आपको एक एक लिंक पे जाके आपको जॉब सर्च करनी है। देखो मैं एक naukri.com का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने naukri.com ओपन किया, अब यहाँ पे देखो जब आप naukri.com पे जाते हो तो आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो बेस्ड ऑन आप अपने लोकेशन। CMA ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पे लिखते हो, देखो CMA ट्रेनिंग से मैंने सर्च मारा, एक सेकेंड रुको, ICW इंटर, सो यहाँ पे देखो बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिखेगी, CA इंटर, CMA इंटर, CMA क्वालिफाइड। आप इसको अपने एरिया वाइज भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, यहाँ दिल्ली NCR है, मुंबई हैदराबाद है, बहुत सारी ऑप्शन है, आप उस बेसिस पे आपको जिस एरिया में चाहिए आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से सैलरी कैटेगरी को भी आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे जा सकते हो, 0 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे जो वैकेंसी होगी वो आपको शो कर जाएगी। सैलरी, जॉब डिस्क्रिप्शन, इंटरनेशनल डोमेस्टिक चाहिए आपको, कैसे चाहिए, किस इंडस्ट्री में चाहिए, कंपनीज वाइज भी आपको यहाँ पे मिल सकती है जॉब वैकेंसी। तो naukri.com वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि आप यहाँ से अच्छी जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके, आप naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे आप डेफिनेटली आप अपने एक प्रोफाइल मेंटेन करो, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोफेशनल आपको वहाँ पे मिलेंगे जो CMA क्वालिफाइड होंगे और कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, तो आप उनके साथ भी कनेक्शन बना सकते हो एंड उनसे भी पूछ सकते हो कि अगर उनके कंपनी में कोई वैकेंसी हो, या फिर जैसे बहुत सारी कंपनी क्या होती है इंटरनल रेफरेंस का ऑप्शन होता है, आप कंपनी के पोर्टल पे आप जाके रिज्यूम अपलोड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज, आप जैसे जेनपैक्ट हो गई, एसेंचर हो गई, या और भी बहुत सारी एमएनसीज में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप पोर्टल पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप उन आपके रिज्यूम वो अपने पोर्टल पे अपलोड करें, जिससे आपको चांसेस मिल सकती है। इसी तरीके से आपको इंडीड, मोस्टर, आप सब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ये CMA इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी लिंक है यहाँ पे, जो भी CMA इंस्टीट्यूट के साइट पे जो भी रिसेंट वैकेंसी आती है, आप देखो अभी यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो, धनलक्ष्मी बैंक में आया है, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का रखा था, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सो आप यहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी मैंने लिंक दे रखी है। इसके अलावा आपको सर्च करना है तो आप सोशल मीडिया, देखो फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट होती है, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स आज के टाइम में बन चुके हैं जहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट होती है, तो आपको उन सबको आपको रेफर करना है, तो धीरे धीरे आप इन सबको आप देख सकते हो, आप इन सब के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, एंड आप यहाँ से रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स के। हाउ टू मेक ए रिज्यूम, देखो रिज्यूम बनाने के लिए हमेशा हमें MS वर्ड को यूज करना है, MS वर्ड एक बेस्ट है जहाँ से हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे आपको जाना है, आपको अपनी लैपटॉप को नेट के साथ कनेक्ट रखना है, एंड यहाँ पे आपको सर्च मारना है रिज्यूम। जब आप रिज्यूम लिख के सर्च मारोगे तो आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो ऑलरेडी बने बनाए हुए टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक फॉर्मल सा आपको एडिटिंग करना है, एंड देन ये टेम्पलेट आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको हमेशा सजेशन करूँगा कि उस टेम्पलेट को फाइंड आउट करो जिसमें पिक्चर लगाने का भी ऑप्शन हो, बिकॉज पिक्चर आज के टाइम में थोड़ा इम्प्रेसिव होते हैं, आपके कैरेक्टर को भी शो करता है आपकी फोटो। एंड इसमें आप अपने नेम सब फिल कर लो, एमएस वर्ड तो आई थिंक सबको आता है चलाने। फोटो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो चेंज पिक्चर में जाके, और आप कोई सा भी पिक्चर लगा सकते हो। आप अपने कोई से भी एक फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च करके मार सकते हो, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, आप अपने ब्राउजर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो आपको आपके ब्राउजर से फोटो मिल जाएगी, जिस भी आप फाइल लोकेशन पे। आप यहाँ से आप फोटो सिलेक्ट करो एंड इसको आप इंसर्ट करो, ये फोटो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ओके, देन आप अपने सारी डिटेल्स को फिल कर लो इसमें वन बाय वन। एंड इसके अलावा आप इसको आके यहाँ से फाइल पे क्लिक कर सकते हो, एंड फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, और आपको पीडीएफ में फाइल को सेव करना है। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में हमेशा जब भी आपको रिज्यूम किसी को भी शेयर करना है तो आपको पीडीएफ में ही आपको अपनी रिज्यूम शेयर करनी है। ऐसा नहीं कि आप वर्ड में बना दो, किसी और फॉर्मेट में बना दो, हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपनी रिज्यूम बनानी है और आगे फॉरवर्ड करनी है। देखो आपको अपनी रिज्यूम में एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू ठीक है। सो आप वर्ड को यूज करके अपनी रिज्यूम बना सकते हो। मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि रिज्यूम में जो भी पॉइंट्स लिखो उसको बुलेट्स में लिखो। जस्ट लाइक कि आपके पास टेक्निकल स्किल की बात करूँ तो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सब चीज़ों को वहाँ पे राइट डाउन करो। अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो पास्ट एक्सपीरियंस को भी आप बुलेट्स में आप वहाँ पे ड्राफ्ट करो, तो इट विल हेल्प यू मोर। कवर लेटर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, कवर लेटर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। कवर लेटर इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक कवर लेटर इज इम्पॉर्टेंट वे टू शोकेस हाउ योर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मीट द की रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है, जो आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके पास नॉलेज है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है जो इस पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल है। ये सारी चीजें आपको कवर लेटर में लिखना है कि आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई हैव 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आई हैव वर्क इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बैलेंस एनालिसिस, आई हैव वर्क ऑन SAP, आई हैव डन दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन माई पास्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम थिंकिंग कि आई एम बेस्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल लाइक दैट। आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी है, सो एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो। देखो आपको कवर लेटर के लिए भी सेम चीज आपको करना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको कवर लेटर सर्च मारना है। कवर लेटर जब आप यहाँ पे सर्च मारोगे तो आपके पास कवर लेटर आ जाएगी। आप सेम चीज यूज करके, आप वर्ड सबको आते हैं इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा। आप आराम से आप यहाँ पे कोई सा भी जो रिज्यूम आपको अच्छा लगता है, देखो ये वर्क एक्सपीरियंस इसने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। देख रहे हो आप, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारे कंपनी जिसके टाइटल सेम, आपको इसी फॉर्मेट को यूज करना है। अब यहाँ पे स्किल्स में आप, जैसे आप हो गया एमएस एक्सेल में कितने स्ट्रांग हो, पावर पॉइंट में कितने स्ट्रांग हो,
इसके अलावा SAP हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। किसमें आप कितने स्ट्रांग हो, आप यहाँ पे आराम से फिल करते जाओ और इसके परसेंटेज को मार्क करते जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे करनी है। ईमेल, देखो ईमेल ड्राफ्टिंग में फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कभी भी यूज नहीं करना है ईमेल ड्राफ्टिंग में, एंड हमेशा लॉन्ग। ईमेल राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप कभी भी ईमेल राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे। सेकेंड थिंग, आप जब भी मेल ड्राफ्ट करोगे व्हाई यू आर राइटिंग, आपको मेंशन करना है आप किस लिए, किस पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, बिकॉज हो सकता है ना आप जिनको अपने रिज्यूम भेज रहे हो उनके पास मोर देन वन जॉब प्रोफाइल हो, मोर देन वन वैकेंसी जो, या फिर वेरियस लोकेशन के लिए हो, तो आपको पार्टिकुलर अगर आपके पास जॉब, बहुत टाइम क्या होता है कि जब कंपनी जॉब वैकेंसी पोस्ट करती है तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर या जॉब का ऑफर नंबर लिखा होता है, तो आप उस कोड को यूज कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आपको प्रॉपर लिखना है कि आपको वैकेंसी कहाँ से मिली है, एंड उस जॉब प्रोफाइल के बारे में, लोकेशन के बारे में आपको वहाँ पे एप्लीकेशन में डालना है। विच जॉब यू आर अप्लाइंग मैंने आपको बता दिया, वाट यूर क्वालिफिकेशन आर फॉर दी जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें आपको राइट डाउन करने है। वाट यू हैव टू ऑफर दी कंपनी, आप कंपनी को क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हो, लाइक आपकी पास्ट एक्सपीरियंस हो गई, या फिर कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें जो शायद आपके जाने के बाद कंपनी में कुछ एक नया डेवलपमेंट लेके आए। हाउ यू विल फॉलो अप और हाउ द रिसिपिएंट कैन गेट इन टच, देखो बहुत केसेस में मैंने देखा है कि लोग जो नंबर देते हैं रिज्यूम में, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, कॉलिंग नंबर अलग होता है, तो आप ऐसा नंबर वहाँ पे राइट डाउन करो जिससे वो आप तक पहुँच सके इमिडिएटली अगर आपको कॉल करते हैं। बहुत केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है कि कॉल कर रहे हैं आप कहीं और हो, नंबर कहीं और है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग कोड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इन डैट केस आपकी ड्रेस से वो आपकी पर्सनालिटी को भी फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए हमेशा फॉर्मल बियर करो। बहुत ज़्यादा शाइनी कपड़े मत पहनो, थोड़ा सा मतलब कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आँखों को देख के चुभे ना, जैसे बहुत ज़्यादा हम लाइट या लाइट नहीं बहुत सॉरी बहुत ज़्यादा हम डार्क ड्रेसेस पहनते हैं, या फिर आप अपने रेड शर्ट पहन के चले गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क ब्लू शर्ट, तो इस टाइप्स के नहीं, आपको ऐसे शर्ट्स पहनने हैं जो सिंपल हो, सिंगल कलर में हो, हाँ चेक में भी हो तो ऐसे चेक्स हो जो कि नॉर्मल दिखे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे मेरे चेक हैं ये चेक चलेगा इंटरव्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे चेक्स नहीं होने चाहिए जैसे कि फूल का डिजाइन हो गया पूरा, तो उस टाइप के ड्रेसेस नहीं होने चाहिए। हाँ एक ट्रेडिशन और भी मैंने देखा है बच्चों को, अगर वो ब्लैक शूज पहनते हैं तो व्हाइट सॉक्स पहनते हैं, सो ब्लैक शूज के साथ ब्लैक सॉक्स ही होने चाहिए, व्हाइट सॉक्स नहीं होना चाहिए। आपके पैंट, आपके शूज एंड आपके सॉक्स तीनों मैच होनी चाहिए। बेल्ट भी अगर आप ब्लैक पैंट पहन रहे हो तो बेल्ट भी आपके ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। आप हमेशा, मैं तो यही सजेशन करता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो व्हाइट शर्ट ज़्यादा अच्छा है, आप व्हाइट शर्ट पहन लो और एक टाई लगा लो, एंड नीचे व्हाइट शर्ट के साथ अगर आप ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट हो गया, ग्रे पैंट हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है सिंगल कलर में, आप वो पैंट वेयर कर लो, एंड ब्लैक शूज सफिशियंट है, ठीक है। तो आप इस ड्रेस को पहन के जाओ। हाँ टाई लगाने में मैंने देखा कि लोग टाई के ऐसे शर्ट के अपने बटन खोल के रखते हैं और टाई को यहाँ तक रखते हैं, टाई आपका प्रॉपर यहाँ तक होना चाहिए और शर्ट के बटन लॉक होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को फोकस करना है। गर्ल्स के लिए स्पेशली बस मैं यही सजेशन दूंगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में जो आपको मेकअप के ऊपर जो मेकअप जो आपको करनी है, वो आपको शादी वाली मेकअप नहीं करनी है, आपको मेकअप नॉर्मल करनी है, जो आप मतलब बिल्कुल सिंपल सा, बिकॉज आपको वहाँ पे आपको अपने मेकअप से नहीं सामने वाले को इम्प्रेस करना है, आपको अपनी क्वालिटी से इम्प्रेस करना है। सो इसलिए आप जितना कम मेकअप करोगे शायद उतना ज़्यादा अच्छा रहे आपके लिए भी। सो मैं यही दूंगा, बाकी आप नॉर्मल ड्रेस आप कोई सा भी आप पहन सकते हो, जैसे जीन्स हो गया, जीन्स के ऊपर आप टॉप लॉन्ग कुर्ती भी पहन सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हाँ जीन्स और आप लॉन्ग कुर्ती पहनते हो तो इट विल ज़्यादा अच्छा है, सलवार सूट और ज़्यादा अच्छा है, और साड़ी अगर आप पहनते हो तो वो और ज़्यादा भी बेनिफिशियल है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को अगर आप फॉलो करते हो वो ज़्यादा अच्छा है इंडियन कंपनीज के लिए। हाँ जब आप इंटरव्यू जाते हो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट कैसे पता चलेगा, जब भी आप
तो आपको कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करवाना है वहां पे। ऐसा नहीं कि यार मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकता, ऐसा नहीं करना है। मेक द इंट्री जस्ट राइट, आपको ऑन टाइम एंट्री करना है। गिव ए फॉर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक, आपको हैंड जब भी आप उनके साथ हैंडशेक करो तो जस्ट एक फॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल हैंडशेक होना चाहिए, मैक्सिमम 1 to 2 seconds का हैंडशेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उनका हाथ पकड़ के और पूरा ऐसे हाथ हिला रहे हो हैंडशेक में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, देखो जब भी आप किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, सपोज मान लो दो, अगर सिंगल पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप उसी को देखोगे और किसी को आप देखोगे नहीं, लेकिन अगर मोर देन वन पर्सन है तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि आपको अपने आई कॉन्टेक्ट ना चेंज करते रहने हैं। सपोज 10 to 15 सेकेंड हम इसके साथ कॉन्टेक्ट में थे, नेक्स्ट 10 to 15 नेक्स्ट पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में, ऐसे करके हमें चेंज करते रहना, जिससे उन सबको लगे कि हम किसी एक के साथ इंगेज नहीं है, हम सबके साथ इंगेज है। तो ऐसा फील होगा ना कि यार ये बंदा यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को देख रहा है, हमें तो देख ही नहीं रहा। उनके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सबको इंटरटेन करो, आप किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को इंटरटेन नहीं करो इंटरव्यू जब भी देने जाते हो, तो आपको सबको ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी, सबके साथ आप। और जब भी आप आंसर दे रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर नर्वसनेस दिखे, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल स्माइल कर रहे हो। अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक्सप्रेशन इसी टाइप का होना चाहिए इंटरव्यू में भी। आप ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से भी, जैसे हैंड आपको नहीं करना है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या नहीं करना है। फेस पे जब भी आप क्वेश्चंस दे चुके हो, जब भी आपको कुछ नॉर्मल चीजें अगर आपके डेली लाइफ से रिलेटेड पूछते हैं तो आपको इजीली उसका आंसर करना है। फेस पे एक स्माइल होना चाहिए बिकॉज स्माइल से आप एक गुड लुकिंग जैसे दिखते हो, तो स्माइल अगर आपके फेस पे है तो काफी अच्छा रिएक्ट लगेगा। मेंटेन ए गुड पोस्चर, गुड पोस्चर यानी आप स्ट्रेट खड़े रहो एक अच्छे पोस्चर के साथ। कीप ए लो एंड पोलाइट टोन, आप जैसे आप घर में आप बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, उस लैंग्वेज को नहीं, एक प्रोफेशनल पोलाइट टोन होनी चाहिए आपके। जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये एक पोलाइट लैंग्वेज है। आप इसी तरीके से आप इंटरव्यू में भी आप बोल सकते हो। लुक रिलैक्स, मतलब बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को होता है ना टेंशन, मतलब इंटरव्यू देने से ज्यादा इंटरव्यू का टेंशन होता है, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलैक्स फील करो। सामने वालों को बोलने का मौका दो, अगर इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम उसको बोलो नहीं सर ये क्वेश्चन मुझे पता है आप क्या पूछोगे, मैं इसका आंसर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको उन्हें प्रॉपर टाइम देना है क्वेश्चन बोलने का, आपको सुनना है प्रॉपर उन्होंने क्या बोला। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हो सर कुड यू प्लीज रिपीट अगेन द क्वेश्चन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टोल्ड लाइक दैट। आप उनको कह सकते हो कि सर आप क्वेश्चन रिपीट करो, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रिपीट करेंगे क्वेश्चन। क्या चीजें नहीं करनी है आपको, इस तरीके से नहीं बैठना है, या फिर होता है ना कि हम इंटरव्यू दे तो रहे हैं यहाँ लेकिन हमारा दिमाग उस दीवार पर लगी उस पेंटिंग की है, या फिर उस रूम में कोई अगर कोई छिपकली चल रही है तो हमारा दिमाग उसके ऊपर, उस छिपकली के ऊपर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आप इन टच में आपको रहना है, टच योर हेयर फेस। मान लो किसी क्वेश्चन के आंसर में नहीं आता, बेसिकली ऐसा होता है, मान लो किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आता तो हमारा फेस एक्सप्रेशन एक अलग सा हो जाता है, हम सर पे ऐसे करने लगते हैं यार क्या था उसका आंसर, आज सुबह ही पढ़ा था यार याद नहीं आ रहा। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आप इजिली बोल सकते हैं सर आई डिड नॉट रिमेम्बर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लूज योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस, बॉडी को लूज नहीं रखना है। अपेयर ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस वही हो गया जैसे कि आपने सामने वाले को क्वेश्चन नहीं बोलने दिया, इट विल रिफ्लेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस। या फिर आप बहुत ज्यादा लाउड आंसर दे रहे हो तो वो भी एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस को रिएक्ट करता है। सो ये सारी चीजें आपको आसपास की लोकेलिटी पे नहीं फोकस करना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लस जो उनके साथ 2 to 3 persons हैं इंटरव्यू पैनल में, आपको उन्हीं को इंटरटेन करना है, बाकी आपको किसी साउंडिंग को नहीं देखना है। नेक्स्ट, साउंड लाइक ए रिकॉर्डर, मतलब आपको ऐसे नहीं बोलना है जैसे एक रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है और आप फटाफट बोले जा रहे हो, आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में टेक्निकल स्किल्स में अगर मैं बात करूं, देखो टेक्निकल स्किल इम्पॉर्टेंट थिंग है, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये तो बेसिक चीज है। मतलब एमएस ऑफिस तो आपको कम्प्लीटली आना चाहिए, जिसमें इसके अलावा अगर आप एसएपी सीख लेते हो तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू एडेड हो जाएगा आपके अंदर, अगर आपको एसएपी आ जाता है। सॉरी, तो आपको एसएपी आनी चाहिए। इसके अलावा टैली मैंने यहाँ पे लिख के
उसके ऊपर मार्क कर रखा है इसलिए, बिकॉज देखो अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहां पे टैली यूज होता नहीं, हाँ अगर आप किसी फॉर्म में जा रहे हो तो वहां पे टैली यूज होता है। सो आप फॉर्म के लिए आप टैली को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, कॉर्पोरेट के लिए नहीं। कॉर्पोरेट में टैली का एक्सपीरियंस उनके लिए कोई वैलिड नहीं है, बिकॉज वो एससीपी पे काम करते हैं तो टैली और एससीपी बहुत डिफरेंट है। सो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा आपका क्वेश्चन आ रहा होगा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड डायरेक्ट टैक्सेशन। ये चार ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सपोज मान लो आपने सोचा होगा कि यहाँ पे मैंने ऑडिट क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो वो जनरली इंटरव्यू में ऑडिट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ अगर कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो स्पेशली ऑडिट का है तो उसमें आपसे ऑडिटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इंटरनल ऑडिटर का हो गया, स्टेटरी ऑडिटर का प्रोफाइल हो गया, तो वहाँ पे ऑडिटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज ऑडिटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑडिटिंग को एक्सक्लूड किया है। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, CMA रोहन शर्मा। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एक इंटरव्यू का ऑलरेडी एक सेक्शन बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, GST के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं। अब इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो होप सो वो भी मैं बहुत जल्द ऐड कर दूँ, तो आप यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर एक्सेल में क्या क्या चीजें जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज प्लस आपको पाइवट टेबल, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्सेल शॉर्टकट्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप CMA क्वालिफाइड हो तो आपके लिए SAP आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फ्री में ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर उडेमी पे 405 रुपीज पे करके आप SAP फ्यूको मॉड्यूल सीख सकते हो, तो आपको डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आई थिंक। व्हाट टू डू पोस्ट इंटरव्यू, देखो पोस्ट इंटरव्यू आपको क्या करना है, रेट योर परफॉर्मेंस। आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो तो उसके बाद आपको खुद के साथ एनालिसिस करना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसा दिया और आप कैसा दे सकते थे, जिससे आप फ्यूचर में उस चीज को आप करेक्ट कर पाओ, रेक्टिफाई कर पाओ। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। इन्फॉर्म योर रेफरेंस अबाउट इंटरव्यू। सपोज मैंने अगर आपको रेफर किया है किसी जॉब प्रोफाइल के लिए एंड आप वहाँ गए हो मेरे रेफरेंस से इंटरव्यू देने, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ से आके मुझे बताओ आपके इंटरव्यू किस तरीके से हुई, क्या क्या गलतियाँ हो गई आपसे इंटरव्यू के दौरान, क्या अच्छी चीज़ें थी, किसने आपका इंटरव्यू लिया, जिससे हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ फ्यूचर में उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। फॉलो अप विथ HR, HR से आपको फॉलो अप करना है। सपोज आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया लेकिन अगले 5 डेज 6 डेज तक कोई रिप्लाई नहीं आया, इनडायरेक्ट के साथ HR से आपको फॉलो अप करना चाहिए, बिकॉज होता है कभी कभी कि आपकी रिज्यूम इधर उधर हो सकती है, जैसे HR आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हो, तो इनडायरेक्ट केस आपको HR को फॉलो अप लेना चाहिए अगर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है तो। जब आपके पास ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर में आपको ये मेल आपको देना है थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी दी पोजिशन एंड आई एम डेलीगेटेड टू एक्सेप्ट योर ऑफर लेटर। इसके अलावा आपको अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कंपनी ने टोटल आपकी CTC लिख के आपको भेज दी, तो इन डेट के साथ ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर मुझे ऑफर लेटर में जो अमाउंट लिखा है उसका मुझे बाइफर्केशन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट कंपनी दे रही है, जैसे कि मान लो फोन एक्सपेंसेज हो गया, टेलीकॉम एक्सपेंसेज हो गया, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेज हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज का कुछ अगर बेनिफिट मिल रहा होगा, या फिर कंपनी कार फैसिलिटी या कुछ ऐसी फैसिलिटी दे रही है, तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें। तो ये HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये बताए। तो ये ऑल अबाउट था ट्रेनिंग और जॉब से रिलेटेड, अगर आप सर्च करना चाहते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली आप कमेंट करके बताओ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई हैव वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, होप सो आप सबके साथ अच्छा हो।